हेलो बीएड लर्नर्स, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नेम आपको मेंशन हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, रीडिंग स्किल। यानी कि हमने लैंग्वेज के 4 स्किल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कशन किया था कि लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं LSRW, जिनको बोला जाता है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जिसमें हमने मेरे चैनल पे आपको 2 स्किल्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी, जिसमें हमने लिसनिंग स्किल और आपकी स्पीकिंग स्किल के बारे में बात करी थी। तो आज हम उसके आगे के 2 स्किल, यानी कि रीडिंग स्किल और फिर हम उसके बाद बात करेंगे हमारी राइटिंग स्किल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इन रिटन फॉर्म विद अंडरस्टैंडिंग द आइडिया एंड थॉट इज़ कॉल्ड रीडिंग स्किल। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें, जो कि आपके रिटन फॉर्म में आपके सामने होती है, जिसको हम रीड करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो सेंटेंस या उस वर्ड्स का आइडिया और थॉट क्या है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीडिंग स्किल कहा जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इनकम्प्लीट इफ ही और शी डज नॉट एबिलिटी टू रीड। ये एक इम्पॉर्टेंट 3rd एस्पेक्ट माना जाता है हमारे लैंग्वेज स्किल का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे चाइल्ड की एजुकेशन क्या है, इनकम्प्लीट होती है अगर उसके अंदर एबिलिटी ना हो किस चीज़ की, रीड करने की। अगर उसे पढ़ने की एबिलिटी नहीं है तो इट मीन्स वो लैंग्वेज स्किल के 3rd स्टेप को पार करके एक अच्छा एजुकेशन को गेन नहीं कर सकता है। इसी के आगे बढ़ते हैं, जिसमें आते हैं आपके टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल। अगर हम इसमें टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमें 4 टाइप्स इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला टाइप है आपका इंटेंसिव रीडिंग, दूसरा है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, 3rd आता है आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग और 4th नंबर पर आता है आपका लाइब्रेरी रीडिंग। तो चलिए इन्हें 1 by 1 हम देखते हैं डिटेल में। तो पहला है आपका इंटेंसिव रीडिंग। इट इन्वॉल्व द लर्नर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन डिटेल। जैसे कि सिंपली लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, लर्नर अंडरस्टैंड करता है और जो भी टेक्स्ट उसके सामने दिया होता है, बुक जो दी हुई होती है, उसे डिटेल फॉर्म में वो पढ़ता है या उसको समझने की कोशिश करता है। फॉर गाइडेंस एंड गिविंग इंफॉर्मेशन टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हेयर स्टूडेंट रीड केयरफुली टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट मीनिंग एंड आइडिया। यहाँ पे टीचर का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो प्रॉपर गाइडेंस देता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द सेंटेंस और अबाउट द चैप्टर जो बच्चा पढ़ने जा रहा है। और बच्चा यहाँ पे क्या करता है, केयरफुली उसको रीड करता है, आराम से उसको पढ़ता है, जिससे कि क्या है, उसके एग्जैक्ट मीनिंग जो निकल रहा है उस सेंटेंस या वर्ड का, वो आसानी से उसे समझ में आ सके। इसको हम इंटेंसिव रीडिंग को क्वालिटी फॉर्म में भी लेते हैं, यानी कि ये क्वालिटी की बात करता है कि अच्छे से बच्चे को क्या हो कि जो स्टेटमेंट है या जो भी चैप्टर है वो आसानी से उसको समझ में आ जाए, यानी कि उसके अंदर क्वालिटी डेवलप हो जाए रीडिंग की। द स्टडी ऑफ सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। इसका जो मेन एम होता है वो होता है कि सेंटेंस का, जो सेंटेंस की स्टडी करना और हमारी जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसे प्राप्त करना या उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर उसके लिए गेन करना। सेकंड, हम जो हमारी इसकी सेकंड टाइप होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इन्वॉल्व रीडिंग इन क्वांटिटी विदाउट द बोदरिंग टू चेक एवरी वर्ड और स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, यहाँ पे कोई भी ये नहीं देखा जाता है कि क्या हमें वर्ड का या उसके स्ट्रक्चर का या उसके स्टेटमेंट का जो लिखा है वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ को चेक नहीं किया जाता है। बस इसमें क्वांटिटी की बात की जाती है, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस देखते हैं कि आपने कितने इसमें रीड कर लिए हैं, उसमें आपने क्या समझा है क्या नहीं समझा है, ये चीज़ इसमें मेन मुद्दा नहीं होता है। इसका जो मेन एम होता है, पर्पस ऑफ दिस रीडिंग हेल्पिंग द स्टूडेंट टू रीड फ्लुएंसी विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपके टीचर का रोल क्या है, सेकेंडरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको स्टूडेंट को हेल्प की जाती है कि वो फ्लुएंसी के साथ केवल क्या है अपना रीड कर सके, उसकी फ्लुएंसी डेवलप हो सके, सिर्फ वो रैपिडली उसको वहाँ पर पढ़ सके। तो हमने अभी 2 इम्पॉर्टेंट जो इसके टाइप्स हैं, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करी, जिसमें इंटेंसिव रीडिंग क्या है, आपकी क्वालिटी फॉर्म में होता है, जहाँ पे बच्चा डिटेल में सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके स्टेटमेंट को, चैप्टर्स को जो है अंडरस्टैंडिंग पावर के साथ उसके आइडिया को समझने की कोशिश करता है। दूसरा एक्सटेंसिव रीडिंग, इसको क्वांटिटी बेस्ड माना जाता है, यहाँ पे टीचर का सेकेंडरी रोल होता है, जिसमें केवल ये देखा जाता है कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पेजेज यानी वर्ड और सेंटेंस और चैप्टर हमने कितना पढ़ लिया है, विदाउट ये देखते हुए कि क्या बच्चे को कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। अब फर्दर हम 2 और इसके जो टाइप्स हैं उसकी बात करते हैं।
जिसमें थर्ड टाइप आता है आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग, इसको हम सब्सिडायरी ऑफ इंटेंसिव रीडिंग भी कहते हैं। ठीक, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट भी मान सकते हैं हमारा इंटेंसिव रीडिंग का, जिसमें हमने क्वालिटी की बात करी थी। इसमें क्या होता है आपका कि हेयर द टीचर रोल टू सुपरवाइज द स्टूडेंट ड्यूरिंग रीडिंग सेशन। यहाँ पे टीचर का रोल भी क्या है, सुपरवाइज करने का होता है कि जब बच्चा है रीडिंग स्टेटमेंट कर रहा है, यानी स्टेटमेंट को पढ़ रहा है या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो टीचर का रोल यहाँ पर उसे सुपरवाइज करने का होता है। क्या वो वर्ड को, उसकी वर्ड की प्रोनंसिएशन क्या उसकी बिल्कुल ठीक है, क्या वो वर्ड को आसानी से समझ पा रहा है, क्या वो चैप्टर को समझ पा रहा है, इसके लिए उस टीचर यहाँ पर सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट हमारी जो टाइप आता है वो है आपका लाइब्रेरी रीडिंग। इसको क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग के फॉर्म में भी हम जान सकते हैं। लाइब्रेरी रीडिंग को इंक्रीज करता है हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसमें हमारी क्वांटिटी की बात की जाती है। यहाँ पे टीचर का रोल क्या होता है, टीचर डज नॉट इन्वॉल्व एंड सुपरवाइज व्हाइल स्टूडेंट इन रीडिंग सेशन, इट इज़ बेसिकली डन फॉर एंजॉयमेंट एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है आपका कि स्टूडेंट क्या है यहाँ पे केवल अपने आप ही स्वयं पढ़ता चला जाता है लाइब्रेरी में। यहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं होता है, टीचर इन्वॉल्व नहीं होता है, ना ही वो सुपरवाइज करता है, ना ही वो इंस्ट्रक्शंस देता है वो। और इसका जो मेन एम होता है कि बच्चा क्या इन्जॉयमेंट के साथ सिर्फ क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको गेन करके ये नहीं देखा जाता है यहाँ पे क्या उसे चीज़ें समझ में, अंडरस्टैंडिंग पावर को वहाँ पे उसकी चेक नहीं किया जाता है। तो सिंपली हमने अभी फोर इसके टाइप्स की बात करी। फर्दर हम बात करते हैं कॉजेज फॉर बैड रीडिंग स्किल की, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कि हमारे बैड रीडिंग स्किल में आते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हमारी बैड रीडिंग स्किल होती है। सबसे पहला कारण तो हमारा वही है जो हर एक में हमें देखने को मिलता है, पुअर विजन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हमारी आई साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमें एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि हम वहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है या वर्ड क्या लिखा है, तो इस कारण से हमारी रीडिंग स्किल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो अंडरस्टैंडिंग पावर हमारी वहाँ पे गेन नहीं हो पाएगी। दूसरा है आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे हम बायो जेनेटिक हम अगर कोई चीज़ें देखें तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी क्या है हमारी रीडिंग स्किल को इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे की रीडिंग प्रॉब्लम शुरू होती है और बच्चा जो पॉइंट है उसे आसानी से नहीं समझ पाता। फिर है एलेक्सिया, इसका मतलब है कि पठन में विकार, यानी कि बालक क्या है पढ़ने में उसे प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो कई बार ऐसा होता है कि वर्ड को कुछ और सेंस में ले रहा होता है और पढ़ कुछ और रहा होता है, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं हमारे डी और बी वाले जो वर्ड है उनमें उसमें समझने में दिक्कत करते हैं। तो ऐसे ही जो एलेक्सिया होता है वो भी एक हमारी बैड रीडिंग स्किल का एक कॉज बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओवर क्राउडेड क्लास। ओवर क्राउडेड क्लास क्या होती है, हमारी इंडिया में ओवर क्राउडेड क्लास की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है, जिससे क्या है टीचर इंडिविजुअली बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को अगर ध्यान नहीं दे पाएगा तो उसकी स्किल में क्या है आसानी से स्किल उसकी डेवलप नहीं हो पाती है। फिर है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम से यहाँ तात्पर्य है कि हमारा जो है नंबर ऑफ पेजेस क्या है, कई बार देखे जाते हैं कि बच्चे ने कितना लिखा है, लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि उसने किस क्वालिटी में लिखा है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस की बात हम नहीं करें और सिर्फ क्वालिटी देखें, यानी कि क्वेश्चन को उसके आंसर फॉर्म को देखें, तो जिससे क्या होगा कि हमारी रीडिंग स्किल अच्छी हो पाएगी। टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, कई बार हमारी टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है, बहुत छोटा लिखा होता है, प्रॉपर उसमें प्रोनंसिएशन जो वर्ड्स होते हैं उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिस कारण से बच्चा क्या है रीडिंग स्किल उसकी डेवलप नहीं हो पाती। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम से नहीं समझ में आ पाते हैं, जिस कारण से बच्चा क्या है उसकी रीडिंग स्किल इफ़ेक्ट करती है। फिर है आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारे रीडिंग स्किल को हमारा एक कारक बन जाता है, क्योंकि अगर हमारे इंडिया में क्या है हमेशा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की प्रोसेस को अपनाया जाता है, जिससे कि बच्चे की क्या है एबिलिटी उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को छोड़कर हमें बायलिंगुअल मेथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टेज ऑफ इंग्लिश टीचर, यानी कि जो परफेक्टली इंग्लिश को प्रनाउंस कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, फ्लुएंसी उनकी इंग्लिश में हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो अबाउट द इंग्लिश स्ट्रक्चर और अ लैंग्वेज, तो ऐसे टीचर्स की हमें कमी देखने को मिलती है, जिस कारण से बच्चे की रीडिंग स्किल सफ़र करती है। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस इन रीडिंग। कई बार स्कूल्स में क्या होता है रीडिंग सेशन को नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे हमें टीचर ने ध्यान देना चाहिए कि वो क्या करे कि रीडिंग सेशन वहाँ पे रखे, जिससे कि क्या हो बच्चों की रीडिंग स्किल डेवलप हो सके। तो ये वेरियस कॉजेस थे जो कि हमारी रीडिंग स्किल को इफ़ेक्ट करते हैं और जिससे हमारी रीडिंग स्किल
जो एक प्रॉब्लम बन के सामने आती है। अब इनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं सजेशन टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। इसमें सबसे पहला सजेशन है, इन अर्ली स्टेज द पीपल शुड बी गिवन टू रीड ओनली दोज वर्ड विच आर फेमिलियर विद देम। यानी कि हमने स्टार्टिंग स्टेज में बच्चों को उन वर्ड से, उन सेंटेंसेस से फेमिलियर कराना है जो कि क्या कहते हैं हम रेगुलर वे में अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड जिससे बच्चा क्या करे आसानी से उनको समझ पाए कि आखिर हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं या इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, द टीचर शुड टीच बाय यूजिंग ब्लैक बोर्ड नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक डायरेक्टली। यहाँ पे टीचर की एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं या उनको किस तरीके से प्रनाउंस किया जाता है या उनका मीनिंग क्या है, तो उनको क्या करे वो वर्ड बाय वर्ड या सेंटेंस बाय सेंटेंस पहले ब्लैक बोर्ड में लिखे, जिससे बच्चा क्या है उसे समझ पाए कि आखिर इस वर्ड को कैसे प्रनाउंस किया जाता है। और ना ही यहाँ पे ये नहीं करना है कि डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के ही हम क्या करें बच्चे को समझाने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट हमें देखने को मिलता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी इन द स्कूल। यहाँ पे एक सजेशन यह है कि हर एक स्कूल में लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिसमें एक रीडिंग सेशन को ज़रूर रखा जाना चाहिए। अगर हमें बच्चे की लैंग्वेज स्किल को अच्छे से डेवलप करना है तो यानी कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ होंगी तो बच्चा क्या करेगा वहाँ पे जाके अपनी जो रीडिंग स्किल है उनको डेवलप करने का काम करेगा, उसको इम्प्रूव करने का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे वह चैप्टर्स को पढ़ेगा, सेंटेंसेस को पढ़ेगा, उस किसी वर्ड को कैसे प्रनाउंस करते हैं उसमें क्वेरीज होंगी उनको वो वहाँ पर पूछेगा। नेक्स्ट आया था आपका, रीडिंग कंपटीशन शुड बी ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम। यहाँ पे स्कूल की एक ड्यूटी हो जाती है कि उन्हें रीडिंग कंपटीशन को रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए टाइम टू टाइम पीरियड पे, जिससे क्या हो बच्चे की रीडिंग स्किल डेवलप हो सके। नेक्स्ट आता है, अ लाइब्रेरी पीरियड शुड बी अलॉटेड इन टाइम टेबल। यानी कि हमें कई स्कूल्स में देखने को मिलता है कि लाइब्रेरी पीरियड उसमें हमारे टाइम टेबल पे इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या है हमारे टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो लाइब्रेरी पीरियड आपके टाइम टेबल पे इंक्लूड करे, जिसमें वो क्या करे कि बच्चा आसानी से अपनी एबिलिटी को डेवलप कर सके। लास्ट आता है इसमें, द टीचर शुड हिमसेल्फ और हरसेल्फ बी वेल वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे ये बात की गई है कि सबसे पहली बात ये है कि टीचर को खुद इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है परफेक्ट होना चाहिए कि हाउ टू प्रोनाउंस आर वर्ड और सेंटेंसेस, और वर्ड उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर तेज होनी चाहिए जिससे कि क्या करें कि वो बच्चों को भी उस तरीके से ही अपनी बात को डिलीवर कर सके। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ा कि रीडिंग स्किल क्या होती है, जिसमें स्किल का डेवलपमेंट है, फिर हमने उसके टाइप्स देखे, फिर हमने कॉजेज देखे कि आखिर ऐसे कौन कौन सी कॉजेज हैं जिससे हमारी रीडिंग स्किल सफ़र करती है। लास्ट में हमने कुछ सजेशंस आपको प्रोवाइड कराए कि इन सजेशंस को आप अप्लाई करके अब रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।